हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? टुडे आई एम शेयरिंग विद यू स्किन केयर प्रेप फॉर वेडिंग सीजन। टू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्टली आई एम यूजिंग अ ओरिफ्लेम लव नेचर ब्राइटनिंग क्लींजर फॉर रिमूविंग मेकअप। तो सभी प्रोडक्ट्स को मैं ना थोड़ा थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ना फेशियल एट होम वाली फीलिंग देनी थी। तो जो हम पहला प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो क्लींज़र है। यार ये बहुत बढ़िया क्लींज़र है, मुझे ये बहुत बेस्ट लगता है क्लींज़र। मैं काफ़ी टाइम से ओरिफ्लेम का क्लींज़र यूज़ कर रही हूँ। बहुत ईजिली मतलब फेस से रिमूव कर देता है डस्ट वगैरह को। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में लेंगे। इस क्लींज़र से पहले ना मैंने अपना फेस अच्छे से वाइप से क्लीन कर लिया है, फिर उसके बाद मैंने ये क्लींज़र यूज़ किया है। क्लींज़र की जो हम अमाउंट है वो अच्छा खासा अमाउंट लेंगे। ठीक है, उसको मैंने पूरे फेस पे रब किया है। ये थोड़ा ना फास्ट में मैंने कर रखा है, इतना तेज तेज नहीं कर रही थी, स्लोली स्लोली जेंटल मसाज देनी है। ठीक है, इसके तो बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स में इसमें देखो, सबसे पहले तो है नाइसामाइड। नाइसामाइड में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, विटामिन B3, मिनिमाइजिंग पोर्स, इवन स्किन टोन, रिड्यूसिंग स्किन डलनेस, रिपेयरिंग स्किन। बहुत बढ़िया है यार ये। और हिबिस्कस की बात कर लेते हैं तो AHA BHA फॉर इंप्रूविंग स्किन टेक्सचर, विटामिन सी फॉर स्किन लाइटनिंग। तो बेस्ट प्रोडक्ट है। देन आई एम यूजिंग फेस स्क्रब फ्रॉम ओरिफ्लेम लव नेचर विद ऑर्गेनिक मिल्क एंड हनी टर्मरिक। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जेंटल है, बहुत ही जेंटल स्क्रब है। तो जितने भी सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो इस स्किन को, इस स्क्रब को ले सकते हैं। इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज फॉर प्रिवेंटिंग एक्ने ब्रेकआउट्स एंड ऑल्सो हील ब्रेकआउट्स। हनी इज अ गुड सोर्स ऑफ हाइड्रेशन, गुड फॉर ड्राई स्किन, ऑल्सो रिपेयर दी डैमेज स्किन। तो नेक्स्ट जो इन्ग्रीडियंट है वो है मिल्क। मिल्क भी बहुत अच्छा सोर्स है हाइड्रेशन का, ट्रीट करता है एक्ने को, पिगमेंटेशन को, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव है हमारे स्किन की, और बहुत ही अच्छा मिल्क एक्सफोलिएटर का भी काम करता है। ठीक है, जो थर्ड है इसमें वो है टर्मरिक। टर्मरिक भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, ट्रीट करता है एक्ने, वेरी गुड सोर्स ऑफ ग्लोइंग स्किन एंड वाइटनिंग। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सेंसिटिव स्किन वाले, हाईली रिकमेंडेड है उनके लिए ये प्रोडक्ट। देन आई एम अप्लाइंग फेस मास्क सूदी फ्रॉम अगेन ओरिफ्लेम लव नेचर। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। इसमें जो है ब्लैकबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं। ब्लैकबेरीज़ आर ऑल्सो अ नेचुरल मॉइस्चराइजर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। बेरीज कैन हेल्प कीप योर स्किन हाइड्रेटेड एंड हेल्दी लुकिंग फॉर लॉन्गर। गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी अगर है किसी भी प्रोडक्ट में तो वो स्किन को लाइटनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। देन आई एम यूजिंग टोनर फ्रॉम एल्प गुडनेस विद एलोवेरा एंड हायलोरॉनिक एसिड। एलोवेरा गिव्स काम स्किन, हायलोरॉनिक एसिड कीप स्किन हाइड्रेटेड, रिफ्रेशेस एंड नॉरिशेस स्किन। वेरी गुड टोनर एंड वेरी रीजनेबल, वेरी अफोर्डेबल टोनर। तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। देन आई एम यूजिंग अ सिरम फ्रॉम पेलग्रिम। इट्स अ 24-कैरेट सिरम विद नाइसामाइड एंड हायलोरॉनिक एसिड, टोटली फ्रेगरेंस फ्री स्किन, सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। इट हेल्प्स रिस्कवर ब्राइट एंड रेडियंट स्किन, इनहेंस नेचुरल ग्लो, हाइड्रेट्स डीपली, इम्प्रूव स्किन टेक्सचर। पिलग्रिम के आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखोगे यार, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स है, बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स रहते हैं पिलग्रिम के। तो पिलग्रिम के मैंने ना इससे पहले एक मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, वो भी उसका भी बहुत हाइप था, बहुत बढ़िया मॉइस्चराइज़र था, और इसके अंदर ना हल्के हल्के से पार्टिकल्स है गोल्ड के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीरम, और यूज़ करने के बाद भी ना बहुत सूदिंग था इफेक्ट इसका, और बहुत ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, समर्स के लिए बेस्ट सीरम है। आप और ज़्यादा ऑयली नहीं रख रहा था, मतलब अगर आप स्किन पे इसको लगा रहे हो तो हाइड्रेशन प्रॉपर दे रहा है, लेकिन ऑयली नहीं रख रहा है स्किन को। देन मैंने जो यूज़ किया है वो है लिप बाम, जो कि है अगेन ओरिफ्लेम की। और नाउ इट्स टाइम टू रिपेयर माई स्किन विद नाइट क्रीम बिफोर बेड, बिकॉज ये जो मैं स्किन केयर कर रही थी वो नाइट में कर रही थी, तो मैंने नाइट क्रीम यूज़ किया है। अगर आप नाइट में नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप इसको नॉर्मल डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हो इसके बाद। ठीक है, और या तो फिर आप नॉर्मल कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। एज़ पर माई रिकमेंडेशन, आप ये जो स्किन केयर है ये आप रात में करो, ताकि स्किन को रिपेयर होने के लिए थोड़ा सा समय मिले। इसकी भी हम थोड़ी जेंटल मसाज करेंगे ताकि ये स्किन में ऑब्जॉर्व हो जाए। ठीक है, और ऐसे मतलब पैक की तरह नहीं लगाना होता हमें किसी भी क्रीम को, किसी भी मॉइस्चराइज़र को। फिंगर से मसाज करनी है, पाम से नहीं करनी है। अगर आप पाम से मसाज करते हो तो सारा ऑयल, सारा हाइड्रेशन आपका पाम ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिंगर से आप करते हो मसाज तो आपका सारा हाइड्रेशन आपके फेस तक ही रहता है, क्योंकि फिंगर ऑब्जॉर्व नहीं करती है। देन मैंने यूज़ किया है ओरिफ्लेम एसेंशियल का कोल्ड क्रीम, जो कि मैं अपने हैंड्स पे, अपने लेग्स पे अप्लाई करती हूँ। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन देता है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको आप ले सकते हो, हाईली रिकमेंडेड। ये
सारे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, सारे प्रोडक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी। स्किन केयर बहुत बढ़िया, आप लोग प्लीज़ ट्राई करना। थैंक यू सो मच।